हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर के बाहर आई प्रियंका, वो भी बिना जीते हुए। टूटी हुई प्रियंका का सबसे बड़ा सहारा अंकित गुप्ता बने, और ऐसे में अपनी प्रियंका की खातिर, प्रियंका को इंसाफ दिलाने की खातिर मेकर्स के खिलाफ चले गए, और कोई नहीं बल्कि वन लाइनर एक्सपर्ट अंकित गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, अंकित गुप्ता मेकर्स के खिलाफ गए। उन्होंने बड़ा कदम उठाया और क्या कुछ किया, ये सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। बताएंगे आपको पूरी अपडेट, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 में जब अनाउंस हुआ कि प्रियंका एलिमिनेट होती है, तब ऐसे में अंकित अपने इमोशंस को और नहीं दबा पाए और उनकी आंखों से उनका दर्द छलक गया। हालांकि प्रियंका हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई घर से बाहर आई, लेकिन प्रियंका का दिल भी टूट चुका था। ऐसे में प्रियंका अपने टूटे हुए दिल के साथ अंकित से अपने दर्द को बांट रही थी। अंकित ने प्रियंका की आंखों के आंसू पोंछे और मीडिया के आगे बहुत ही ज्यादा बेबाकी से मेकर्स के खिलाफ काफी कुछ कहा। जी हाँ, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद जहाँ प्रियंका मेकर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही थी, तो वहीं अंकित ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। अंकित ने साफ साफ मीडिया के आगे कहा कि कुछ समझ में नहीं आता रियलिटी शोज में क्या होता है, मैं भी घर के अंदर था। आप सब जानते हैं कि रियलिटी शो में कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर कोई जानता है कि एमसी स्टैन ने कितना कंटेंट दिया है। एक बारी के लिए शिव ठाकरे जीत जाता तो मैं मानता कि बिग बॉस ने फेयर किया, लेकिन एमसी स्टैन, मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो मैंने ही घर से पॉपुलैरिटी कमाई है। कम से कम मैं वन लाइनर एक्सपर्ट तो था, एमसी ने आखिर किया क्या है। ये तो वही बात हुई, अगर आपके जेब में पैसा है, आपकी पॉपुलैरिटी घर के बाहर है, तो आप आओ और ट्रॉफी खरीद ही लो, जीतने की ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों, अंकित के इस गुस्से पर मेकर्स के खिलाफ जिस तरह से अंकित गुप्ता गए हैं, आप लोगों के इस पर क्या व्यूज़ हैं? क्या आप लोग भी अंकित गुप्ता की बातों से अग्री करते हैं? हमें अपने व्यूज़ कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।